بسم الله الرحمن الرحيم इसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे दुश्मन के डर से भूख प्यास से माल और जान फलों की कमी से और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो वो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह की मलकियत है और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायती याफ्ता हैं नहमदू ना रसूल करीम अम्माबात फ़ाउज बिल्लि मिनशवानज़ीम बिसमिल्लर रहीम रबली सदरी वयसिल अम्राहदतमिलसानी याफ़ा कौली सुबहानल वमदेही सुबहानल्आज़ी सुबहानल वमदेही आदा खलक़ ही वरिदा नफ्सिही वजन तारशही व अब दादा काली ही सुबह सुबह अल्लाहनाबाला वरक बकरा की जिन आयात की तिलावत हमने सुनी है उसमे अल्लाह तरमाते हैं कि मैं तुम्हे जरूर आजमाऊँगा दुश्मन के डर से और भूख से और प्यास से माल और जान के या फलों की कमी से और सबर करने वालों के लिए अल्लाह तला, तला फरमाते हैं की खुश है जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना ला व वो कहते हैं कि हम खुद अल्लाह की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फरमाते हैं कि उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायती याफ्ता हैं इन आयात की तिलावत हम सब के लिए एक याद दहानी है कि अल्लाह अपने बंदों को आज़माते हैं और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुश्किल है कि जो तमाम लोगों पर इस वक्त आई हुई है करोना वायरस जिसका नाम कोविड नाइन्टीन है ये कंटीजियस मर्ज है यूजली अगर कोई ऐसी बीमारी किसी एक खत्ते या इलाके में आती है तो उसे एपिडेमिक कहते हैं मगर ये पेंडेमिक है यानी एक आलमगीर वबा है इस वक्त तक ऑलमोस्ट 188 एटी कंट्रीज में ये फैल चुका है और दुनिया की अक्सरियत इस मर्ज से मुतासर हो रही है चाहे वो सुपर पावर्स हों या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हों अमीर हों या गरीब हों सब इस वबा की लपेट में आ चुके हैं ये वायरस इतना छोटा है कि इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता इसको देखने के लिए खास किस्म का माइक्रोस्कोप होता है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं और उसमें वन हंड्रेड थाउजेंड टाइम इसको एक्सपेंड किया जाता है तब जाके कहीं ये छोटा सा वायरस देख पाते हैं अब देखें कि किस तरह से अल्लाह छोटी सी तख्लीफ ने इस वक्त पूरी दुनिया को बेबस करके रख दिया है पूरी वर्ल्ड इकोनमी पूरा मेडिकल सिस्टम तमाम टेक्नोलॉजी मिलिट्री पावर्स तमाम कुवतें इस वक्त एक छोटे से वायरस के आगे कितनी बेबस होके रह गई हैं और यही वक्त है हमारे सोचने का और हमारे गौरव फिक्र करने का इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास होता है अपनी बेबसी का एहसास होता है और यही वो वक्त भी है कि जब हम अपनी असलाह करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह तला की तरफ रुजू करें और अपने मकसद हयात को याद करें और उसको समझें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह ताला कुरने पाक में फरमाते हैं कि मैं इंसानों को इस तरह की मुश्किलों में मुबतला करता हूँ या परेशानियाँ भेजता हूँ चाहे वो इंतफी तौर पर हों या इज्तमी तौर पर कि शायद वो पलट आए शुरह रूम में अल्लाह तरमाते हैं आयत नंबर फोर्टी वन है अल्लाह तरमाते हैं खुशकी और तरी में लोगों के अमालों के सब फसाद फैल गया है अल्लाह उनके तेज अमालों का मजा चखाता है अजब नहीं कि वो बाज आ जाए तो अल्लाह तला जब इस तरह की कोई हम पे मुश्किल आती है अल्लाह की तरफ से तो अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा अपनी इसलाह कर ले और वापस पलट आए और ईमान वालों के लिए अल्लाह तला फरमाते हैं कि हर हाल में उन लोगों के लिए भलाई है और बेहतरी है और खुशखबरी है जैसे कि एक हदीस पे मैं मफहूम रख रही हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मोमिन को कांटा भी चुपता है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और इसी तरह से एक और हदीस है कि सल्लल्लाहु अलैहि सल वसल्लम से ताउन के मुतालिक पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक अल्लाह का अजाब था अल्लाह ताला जिस पर चाहता इस पर उसको भेजता था फिर अल्लाह ताला ने इसे मोमिन के लिए रहमत बना दिया अब कोई भी अल्लाह का बंदा अगर सबर के साथ इस शहर में ठहरा रहे जहाँ ताउन फूट पड़ा हो और यकीन रखता है कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उसके लिए लिख दिया है उसके सिवा उसको और कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता और फिर ताउन में उसका इंतकाल हो जाए तो इसे शहीद जैसा सवाब मिलेगा तो इस वक्त जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सब्र और इसके अलावा हमने ये देखना है कि वो कौन से काम हैं जो हमें करने हैं और वो कौन से काम हैं जो हमें नहीं करने सबसे पहले मैं कुछ मनफी रवैयों का जिक्र करना चाहती हूँ ताकि हम अपना जायजा ले सकें और अगर इनमें से कोई गलती हमसे सरजद हो रही है तो हम अपनी असलाह कर सकें देखें जब इस तरह कोई वबा फैलती है तो जिससे कि अक्सरियत मुतासर हो रही होती है हम नहीं जानते कि वो किसके लिए सजा है किसके लिए पलटने का मौका है या तम्बी है किसके लिए वो नेमत है हमसे गलती तब होती है जब हम अल्लाह तला के बिहाव पे बात करना शुरू कर देते हैं यानी कि हम बरमला इजहार करते हैं कि किसी कौम पे अल्लाह का अजाब आ रहा है और उनकी बदामालियों की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है या वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे ये उसका नतीजा है ये सब बातें गैबी हैं जिनका हमें कतई इल्म नहीं है और ऐसी बातें सिर्फ नबी की मौजूदगी में पता चल सकती हैं यानी अल्लाह ताला की मंशा को सिर्फ वही की तइद के साथ बयान किया जा सकता है इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो हम अल्लाह तुमेन में इंटरफेयर करते हैं और हम अल्लाह तला के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं सूर्य कहफ में हज़रत मूसा और खजर आलाम का वाक्य बयान हुआ जब अल्लाह तला ने वक्त के पैगम्बर यानी मूसा से कहा कि आपसे बढ़कर भी कोई इल्म वाला है हजरत मूसा सलाम जब इल्म हासिल करने के लिए हजरत खजर लिए सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप सबर न कर सकेंगे और आप सबर कर भी कैसे सकते हैं जबकि आपको इल्म नहीं मूसा सलाम के इसरार करने पर और यकीन दिलाने पर कि वो सब्र से काम लेंगे उनका सफ़र शुरू हुआ और फिर वो वाकयात पेश आए जिसमें से एक वाक़ तो ये था कि खजर हज़रतजराम ने कश्ती में सुराख कर दिया और हज़र मूल्लाम से रहा ना गया और उन्होंने पूछ दिया कि आपने ऐसा क्यों किया फिर उसके बाद हजर खजराम ने एक लड़के को कत्ल कर दिया और फिर हजरत मूल्लाम से रहा ना गया क्योंकि वो वक्त के पैगम्बर थे और वो कोई गलत काम होता हुआ देख के खामोश नहीं रह सकते थे फिर जब अल्लाह ताला ने हज़र मूसा सलाम के लिए गैब के पर्दे हटा दिए और खज़ा सलाम ने उनको हकीकत बता दी तो मूसा सलाम को उस शर में छुपी खैर का पता चला अब हम सोचें कि जो एक नबी या पैगम्बर जिनके पास सबसे ज्यादा इल्म होता है वो भी अल्लाह ताला के इन गैबी मामला से अनजान है उनके इल्म में भी वही बातें आती हैं जो अल्लाह ताला उनको बजरिये वही बताते हैं तो हम लोग कैसे ये दावे कर सकते हैं कि हमें इल्म है एक मोमिन का ये रवैया नहीं हो सकता कि वो किसी को तो जहनुमी करार दे और किसी के ऊपर वो अजाब के फतवे लगाए हमें ऐसी बातों से गुरेज करना चाहिए देखें रब सिर्फ़ हमारा नहीं है अल्लाह ताली रब अलमीन है तमाम जहान के मालिक तमाम मखलूक से मोहब्बत करने वाले इस तरह की तमाम बातों से हमें इस्तनाब करना चाहिए और अल्लाह ताला से अल्लाह की खैर तलब करें अच्छा अमूमन इस तरह की बातों का आजादाना इजहार सोशल मीडिया पर होता है जहाँ हर तरह की कॉन्स्परिसी ब्लेमिंग फतवाबाजी और इस तरह की तमाम बातें जिसका भी हम जिक्र करके हटें वो बड़ी आराम से बड़ी बेफिक्री के साथ लोग वहाँ पे उसका अपना इजहार करते हैं कोई कहता है कि ये पॉलिटिकल वॉर है एक मुल्क ने दूसरे मुल्क के खिलाफ कोई साजिश की है कोई कहता है ये बायोलॉजिकल वॉर है जो कि लॉन्च की गई है जानबूझकर कोई वायरस जानबूझकर पैदा किया गया है और इसी तरह से कोई कहता है कि चाइनीज़ वायरस है कि जो उनकी गज़ा की वजह से फैल गया है तो उनको ब्लेम कर रहे होते हैं और ये तमाम बातें हम बगैर इल्म के कर रहे होते हैं फिर उसके बाद जब इस किस्म की पोस्ट हम लाइक या शेयर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी तइद कर रहे हैं हम उसे एग्री करते हैं फिर दूसरा ऐसी ख़बरें फैलाई जाती हैं जिससे कि नाउमीदी पैदा होती है खौफ व हराज फैलता है झूठी खबरें फैलाई जाती हैं लोगों में इंतजार फैलाया जाता है इन तमाम बातों का हमारे पास कोई सबूत नहीं होता और बग़ैर तस्दीक के हम ऐसी बातें आगे करते चले जाते हैं एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के झूठा होने के लिए यह काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को बग़ैर तस्दीक के आगे कर दे देखें हम लोगों को उम्मीद दिलाएं ना उम्मीद ही ना फैलाएं मायूसी और खौफ व हरास वाली बातें ना फैलाएं लोगों को खौफ ज्यादा ना करें एक और मनफी रवैया जो देखने में आया वो था होर्डिंग का यानी जखीरा अनदोजी लालच सेल्फिशनेस एक अफरा तफरी का आलम था जब ये ख्याल हुआ कि शायद लॉकडाउन करना पड़ेगा तो ऐसे में एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि लोग पंद्रह बीस दिन का या मैक्सिमम महीने तक का राशन लेके अपने घर पे रख लेते लेकिन हम सब ने देखा कि क्या हाल हुआ ग्रोसरी स्टोर्स पे किस तरह से पैनिक मिचा और लोग एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हुए यानी लड़ाइयाँ देखने में आई छोटी छोटी मामूली चीजों के लिए भी हमने वहाँ पे लड़ाइयाँ होते हुए देखी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के ऐलान भी किए जाते रहे खबरें आती रहीं कि कोई गज़ा की किल्लत नहीं हो गई लेकिन फिर भी देखें कि हमारे रवैये कैसे सामने आए होना तो ये चाहिए था कि हमें सब्र से काम लेते और अच्छे अखलाक का इजहार करते उसके बरक्स कुछ लोग पैनिक हुए और उनकी वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ हुई और एक भाग दौड़ मिच गई और लोग समा सामान उठाने लगे और कुछ लोगों को जो ज़रूरत की जर, चीज़ें थी वो नहीं मिल रही थी अल्लाह ताला को तख़ीरादोज़ी पसंद नहीं है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है अच्छा एक और चीज़ जो देखने में आ रही है वो ये कि कुछ लोग तो बहुत पैनिक हो रहे हैं जिसका भी हमने जिक्र किया और कुछ का रवैया ऐसा है कि वो बिल्कुल बेफिक्र हैं वो बिल्कुल लापरवाह हैं वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि जैसे बस एक नेचुरल फिनोमिना है ये कुछ मसला वक्ती तौर पर आ गया है तो ना तो अपनी असलाह की ज़रूरत है ना ही गौरव फिक्र की ज़रूरत है और अगर उनसे बात करो तो वह कहते हैं तो क्या हो जाएगा क्या फ़र्क पड़ता है एहतियात करने की क्या ज़रूरत है जो होगा वह देखा जाएगा तो ये दोनों ही रवैया गलत हैं हमारा रवैया अहतदाल पर मबनी होना चाहिए यानी जो एहतियातें हमें बताई जा रही हैं हम वो करें पैनिक ना हो और सब्र से काम लें ये एक ऐसा वक्त है कि जहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अमवात की खबरें हम तक पहुँच रही हैं यह कोई हंसी मजाक का वक्त नहीं है अब हमने देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस पे जोक्स बन रहे हैं सॉन्ग्स बन रहे हैं लोग हंसी मजाक कर रहे हैं उसको एक मजाक का जरिया बना लिया यानी कि अल्लाह की तरफ से हम पे एक इम्तहान आया है और हमारा रवैया कुछ लोगों का क्या देखने में आ रहा है कि बिल्कुल गैर संजीदा रवैया है फिर एक और चीज़ जो एक और मनफी रवैया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि मुख्तल किस्म के एतराज़ा कम्पलेंस गुस्सा और नाराज़गी भी नज़र आता है यानी इस किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं कि मुस्फ़ा करने को क्यों मना किया जा रहा है और तवाफ जो है वो ख़ाना काबा का वो क्यों रुक गया या बाज़त नमाज क्यों नहीं पढ़ने दे रहे इस किस्म की बातें उस पर बहस वो भाई से हो रहे हैं उस पर डिस्कशंस हो रही हैं उस पे गुस्से का इजहार हो रहा है कभी गवर्नमेंट्स को बुरा भला कहते हैं कभी उल्मा को बुरा भला कहते हैं देखें जब लोग हमारे इर्द गिर्द दुनिया से चले जाते हैं तो एक लम्हे को हम रुक के सोचते हैं और उसके बाद फिर हम अपने कारोबारी जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं लेकिन इस वक्त ऐसा वक्त है कि इस वक्त हर इंसान यही बात कर रहा है कि अब कितने लोगों की डेथ हो गई अब क्या होने वाला है कितने बीमार हैं तो ऐसे में हमारा तो काम क्या होना चाहिए था कि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते अपनी असलाह करते ना कि हम इस किस्म की बहस व भाईशों में पड़ जाएं। अब देखें जो उल्मा ये जो हैं ये बाकायदा जो दीन का इल्म रखने वाले लोग हैं ये डॉक्टरों की टीम्स के साथ बैठे इन्होंने अपना वक्त लगाया दो तीन दिन सर्व किए उसके बाद इन्होंने आके किसी नतीजे पर ये पहुँचे इन्होंने एक्सप्लेशन दी लोगों को समझाया लोगों को कुरान सन्नत की रोशनी में ये बात बताई कि जो भी फ़ैसले किए जा रहे हैं वो शरीयत और कुरान और सुन्नत की रोशनी में किए जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद इस तरह के रवैये देखने में आ रहे हैं कि जहां लोग मुसल इस किस्म की बहस वाइसें कर रहे हैं और जहां उनको मना किया जा रहा है कि वो बाबात नमाज इस वक्त ना पढ़ें और अपने घरों में नमाज़ पढ़ें लेकिन ये हाल है कि मस्जिदों के बाहर अगर मस्जिद को बंद किया जाता है तो मस्जिदों के बाहर जो है वो जमात करनी शुरू कर देते हैं सही मुस्लिम की एक हदीस है कि रसोल सल्हलम के पास एक वक्त आया और बैत लेने के लिए तो उसमें आप सलील वसम को पता चला कि एक शख्स था जिसको कि वबाई मर्स था तो आप सलील वसम ने फरमाया कि उसको कहो कि वो लौट जाए और उसकी बैत हो गई है यानि कि आपने मुसाफा नहीं किया उससे तो हमें तो इसकी दलील जो है वह रसो व की सुन्नत से मिलती है फिर मुसलमान के जो मुसलमान पर हकूक़ हैं उसमें से एक ये है कि सलाम का जवाब दिया जाए और सलाम का जवाब तो हम अभी भी दे सकते हैं इसी तरह एक और हदीस का मफहम के रसोल्ला सल्लाम ने हजरत बिलाल से ऐलान करवाया जबकि बारिश हो रही थी कि अपने घरों में नमाज अदा कर लो सलू फिल रिहाल यानी कि अपने घरों में नमाज पढ़ लो उस वक्त बारिश हो रही थी और बारिश में जान का खतरा नहीं होता उसके बावजूद रसोल्ला वसलम ने अपनी उमत के लिए यह आसानी का मामला किया और एक और वाक्य है कि हजरत उमर ने एक औरत को देखा कि जो तवाफ कर रही थी और उसको कोड़ का मर्ज था तो हजरत उम्र रजिता ने उसे कहा कि बीबी तू घर बैठ और तबाक के लिए ना आया कर उसके बाद वो नहीं आई जब हजरत उमर रजितान का इंतकार हुए शहीद हो गए तो उसकी बेटी ने उस औरत की बेटी ने कहा कि अब आप तबाक के लिए जा सकती हैं तो देखिए उस औरत ने जवाब दिया कि हजरत उमर ने जिस अल्लाह के लिए मना किया था वो अल्लाह मौजूद है अब सोचें कि इस औरत का ईमान कैसा था और आज हमारा क्या हाल है कि हम किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है ये वो चंद मनफी रवैये थे जो इन दिनों में देखने में आए ये तो वो काम हो गए जो हमने नहीं करने तो अब वो कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए सर असर हमारे लिए एक बेहतरीन रिमाइंडर है और हमें कंप्लीट गाइडलाइन देती है उल्सा शईवानजीम वलअरसानलफ़ी खुस अल्लाह तै फ़रमाते हैं कि असर के वक्त की कसम तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय किन के वो जो ईमान लाए और उन्होंने अमृत स्वाले हाथ किए और हक़ की नसीहत की और सब्र की नसीहत की अल्लाह ताला ने असर के वक्त की कसम खाई जिससे कि हमें वक्त की किल्लत का एहसास होता है असर के टाइम पे शाम का वक्त होता है रोशनी ख़त्म हो रही होती है और अंधेरा छा रहा होता है ये वो सूरत है जिसकी याद दहानी सहाबा इक्राम एक, एक दूसरे को करवाया करते थे और मकसद क्या था कि इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद ना भूले अपने फोकस से ना हटे और जो गाइडलाइन हमें दे दी गई है उसको सामने रखते हुए फोकस रहते हुए हम अपने काम करते चले जाएं तो यही वो सूरत है जो इस वक्त हम सबके लिए भी एक रिमाइंडर है कि हमें क्या करना है और हमारे करने वाले कौन से काम हैं सबसे पहले तो क्या कि हमें खसारे वाले लोगों में नहीं होना और ईमान के साथ अमले सवाल हाथ करने हैं नेकियों के तमाम काम इस परेशानी के वक्त में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है नेकी की भलाइयों की खैर ख्वाही की अच्छे इख़लाक की ये वो तमाम नेमतें हैं जो हमारे लिए इस दुनिया में भी बेहतरी की वजह बनेंगी और हमारे लिए आखरत में भी नजात के का ज़रिया बनेंगी फिर उसके बाद हक की नसीहत और सबर की नसीहत यही वो वक्त है कि जब हम अपने दीन की तलीमात पर अमल करें और लोगों तक दीन की तलीमत को पहुंचाएं और इस मुश्किल वक्त में हम खुद भी सब्र करने वाले हों और लोगों को भी सब्र की तलकिन करें और हमने देखा कि किस तरह से लोग इस वक्त से फ़ायदा भी उठा रहे हैं जहाँ हमने चंद मनफी रवैयों की बात की इसी तरह से वो मुस्बत रवैये भी देखने में आए कि जहाँ पे लोगों ने ऐसे में अपनी सर्विसेज ऑफ़र की लोगों की मदद कर रहे हैं हम डॉक्टर्स को देखते हैं नर्सों को देखते हैं किस तरह से वो लोगों की खदमत कर रहे हैं लोगों की जाने बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सी एजेंसीज़ और ऑर्गेनाइजेशन लोगों को खाना प्रोवाइड कर रही हैं उनकी मदद कर रही हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही हैं मैंने एक पिक्चर में देखा कि किसी ने अपने घर के बाहर एक टेबल रखी हुई थी जिसपे कुछ ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी कुछ खाने की चीज़ें रखी हुई थी और उस पर लिख के लगाया हुआ था कि जिसको भी यहाँ से जो ज़रूरत की चीज़ है वो फ्री में उठा के ले जाए किसी ने बताया कि उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं मगर वो यहाँ प्रैक्टिस नहीं करते तो इन हालात में वो पाकिस्तान ट्रेवल करके चले गए कि वहां पे वो लोगों के काम आ सकें इस वक्त देखें लोगों की जिंदगियां लोगों की सेहतें लोग लो अपनी जॉब को लेके परेशान हैं बच्चों को लेके परेशान हैं स्कूल बंद है हो सकता है कुछ लोगों को पैसों की जरूरत हो तो जिस भी तरीके से हम किसी के काम आ सकते हैं हम हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा अपने लिए नेकियां समेटें और देखें मिनिमम हम क्या कर सकते हैं कि लोगों की खैर खैरियत पता कर लें उनको फोन कर सकते हैं उनको मैसेज कर सकते हैं उनसे उनका हाल चाल पूछें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो उसका इंतजाम करने की कोशिश करें और सबसे बढ़कर जो मुझे लगता है कि इस वक्त कोई नेकी हो सकती है वो ये कि इस मर्ज़ का इलाज ढूंढा जाए और देखें इस लोग सर जोड़ के बैठे हैं और वो इसका इलाज ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें उनके लिए भी दुआएं करनी चाहिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या वो मुसलमान हैं या वो मुसलमान नहीं है हमें सबके लिए खैर ख्वाह बनना है हमें सबके लिए दुआएं करनी है अल्लाह ताला अगर उनके पास ईमान नहीं है तो अल्लाह ताला उनको ईमान की दौलत से नवाज दे अल्लाह ताला उनको बेहतरीन मुसलमान बना दे और उनको ईमान अता कर दे तो हमें तो लोगों के लिए खैर ख्वाह होना है और लोगों के लिए अच्छी हम उनके लिए भी दुआएं करें और अपने लिए भी दुआएं करें जो भी कोई मर्ज इस दुनिया में पैदा होता है अल्लाह ताला उसका इलाज भी दे देते हैं क्योंकि रसूल व्ल्म की एक हदीस है उसका मखूमू है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी अल्लाह ताला ने दवा भी नाजिल ना की हो तो जो भी लोग इसमें कोशिशें कर रहे हैं अपना हिस्सा डाल रहे हैं अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल करें और उनको ईमान अता करें एक और बहुत खूबसूरत बात जो देखने में आई जो हम मस्बत चीज़ों की बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ की आती यूनिटी इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे पूरी दुनिया एक ही पेज पे आके खड़ी हो गई है और सबका एक ही मसला है और हर इंसान चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल का हो और किसी भी मुल्क का हो सबकी एक ही फिक्र है कि, कि किस तरह से इस मर्ज से जो है वो इसका इससे लड़ा जाए और उसमें एक यूनिटी देखने में आ रही है चाइनीज़ डॉक्टर्स हैं और उसके अलावा भी कुछ मुल्कों के डॉक्टर्स हैं कि जो मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में जा रहे हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसके अलावा जो एक और बात बहुत अच्छी हुई आ, या हो रही है कि हमें अल्लाह ताला ने शुक्रगुजारी का मौका दिया जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे यानी खाने की चीज़ें बच्चों के स्कूल हमारी सेहत जॉब्स वो तमाम चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा के हमारे काम हैं जिनको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था अगर थोड़े से वक्त के लिए हमें वो काम छोड़ने पड़े हैं बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे कुछ लोगों की जॉब्स चली गई हैं लोगों की सेहतें ख़राब हो रही हैं कुछ लोगों की यानी इस परेशानी में जिस चीज़ का एहसास हुआ वो ये कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं हमारे पास जिनको हमने बिल्कुल फॉर ग्रांटड लिया हुआ था तो जो नेमतें हमारे पास मौजूद हैं हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला हमें शुक्र करने वाला बनाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है कि जब उसको कोई नेमत मिलती है तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है और जब उसको कोई तकलीफ पहुँचती है तो वह सब्र करता है यानी हर सूरत में उसके लिए विन विन सिचुएशन होती है वो हर सूरत में कामयाब है तो इन शाली ये जो बजाहिर हमें शर नज़र आ रहा है अल्लाह इसमें से हम सब के लिए खैर बरामद करेंगे बस हमें जो करने वाले काम है वो यही कि हम सुरह असर को याद रखें और उस गाइडलाइन के मुताबिक हम अपने काम करते चले जाएँ और जिन मनफी रवैयों की हमने बात की या इसके अलावा और भी कोई ऐसी बातें जो हैं वो हम ना करें और अपने दिलों को साफ़ करें अपने रवैयों को अच्छा करें अपने अख्लाक को बेहतर करें अल्लाह ताला को राज़ी करें अच्छा अब इसके अलावा जो हमारे करने वाले काम है, वो हैं वो है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस देखें एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होता है और एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट तो तब होता है जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसको क्योर करने की कोशिश की जाती है लेकिन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट क्या होता है कि वो एहतियाती तदाबीर जो करके इंसान अपने आप को किसी मर्ज से बचा सकता है जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से या डॉक्टर्स की तरफ से मिल रही हैं उन पे हमें अमल करना है वो तमाम नेसेसरी स्टेप्स हमें लेने हैं उन तमाम चीज़ों से हमें बचना है जिनसे हमें मना किया जा रहा है और वो तमाम काम हमें करने हैं कि जो एहतियाती तौर पे हमें करने को कहा जा रहा है कि जैसे हम हाथ धोएं सफाई का ख्याल रखें फिज़िकल कॉन्टैक्ट ना करें गैदरिंग्स में जमा ना हों सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है बहुत लोग एक दूसरे के साथ करीब होके ना बैठें एक डिस्टेंस बरकरार रखें अपनी सफाई का ख्याल रखें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो पहले ऊँट का घुटना बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्ल करो तो हमें एहतियाती तदाबीर लाजमी करनी चाहिए इसी तरह एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो कोई बीमार ऊंट को सेहतमंद ऊंट के साथ ना रखे और एक और हदीस का मफूम का कुछ हिस्सा आपके सामने रख रही हूँ वो ये कि जिजाम का मर्ज से जिजाम के मरीज से ऐसे भागो जैसे कोई शेर को दे के भागता है तो ये क्या चीज़ है यहाँ पे यानी एहतियात करो और अपने आप को बचाओ और यही चीज हमें इस वक्त बताई जा रही है कि जिसपे हमें अमल करना है इसके अलावा एक और वाक्य जिससे हमें गाइडेंस मिलती है वो है हजरत उमर का कि जब उन्होंने शाम का सफर किया और जब करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां पे शाम में ताउन का जो मर्ज है वो फैला हुआ है तो हजरत उमर ने साहबा से मशवरा किया तो दो राय सामने आई एक राय तो ये थी कि वो प्रोसीड करें और आगे की तरफ जाएं यानी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करें और दूसरी राय ये साहबा की, की सामने आई कि वो वहां से वापस लौट जाए बहरहाल हाल मैं मुख्तसर करके बता रही हूँ कि फैसला ये हुआ कि वापस लौट जाया जाए तो ऐसे में अबू उबैदा इबने जरा रजी अल्लाह ने कहा कि क्या आप अल्लाह की तकदीर से फरार इख्तियार कर रहे हैं हजरत उमर ने कहा कि हाँ हम अल्लाह की तकदीर से फरार इख्तियार कर रहे हैं लेकिन अल्लाह ही की की तकदीर तरफ और फिर आपने मिसाल देके समझाया कि क्या तुम्हारे पास ऊंट हो और तुम उन्हें लेकर किसी ऐसी वादी में जाओ जिसके दो किनारे हो एक सरसब्ज और शादाब और दूसरा खुश्क क्या ये वाकया नहीं कि अगर तुम सरसब्ज किनारे पर चढ़ाओगे तो वो भी अल्लाह की तकदीर होगा और खुश किनारे पर ऊंटों को लेके जाओगे तो वो भी अल्लाह की तकदीर से होगा यानी कहने का मकसद क्या था कि जो ताउन का मर्ज फैला है वो भी तकदीर में था लेकिन उससे बचा के अपने आप को वापस चले जाना ये भी अल्लाह की तकदीर है और एक वाक्य और कि जब जंग अहद में रसोलसम ने दो जरा पहनी और टीले पे कुछ लोगों को खड़ा भी किया तो वो भी क्या था वो हिफाजती तदाबीर थी तो हमें क्या सिखाया गया हमारा दिन हमें क्या सिखाता है कि हमारा तकदीर पे ईमान है और हमें तदबीर करने का भी हुक्म दिया गया है उसके अलावा जो हमें एहतियाती तदाबीर करनी है उसमें एक चीज़ और है वो है अपनी सेहत का ख़्याल किस तरह यानी गज़ा के ज़रिए हेल्दी डाइट अच्छा पता यह चल रहा है कि अभी तक किसी कोई दवाई तो इस वायरस की नहीं दरियाफ नहीं हो सकी लेकिन जो इंसान के जिस्म के अंदर उसकी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो ख़ुद इस वायरस के खिलाफ फाइट कर रही हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें यानी ऐसी गजाएँ खाएं कि जो हमें इस वायरस से लड़ने में फ़ायदा करेंगी वाइटामिन सी का वाइटमिन डी का इस्तेमाल करें ओमेगा थ्री है अपनी डाइट को अच्छा करें इसी तरह से मैं कल सुन रही थी कि कलौजी के तेल का हमें पता चलता है कलौजी के बारे में कि उसमें बहुत यानी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है उसके अलावा शहद है जो भी चीज़ें अदरक है मतलब जो भी चीज़ें हम हमें समझ में आती हैं कि वो हमारी इस मर्ज़ से बचाव के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं वो हमें लेनी चाहिए वो हमें ख्याल करना चाहिए रसूल रसोलसम ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ने हर बीमारी की दवा नाजिल की है जब वो दवा बीमारी के मवाफ़ होती है तो अल्लाह ताला के इज़न से शफा हो जाती है अच्छा अब ये सवाल उठता है कि हम इतनी ज़्यादा इस पर क्यों बात कर रहे हैं तो देखिए असल में ये मर्ज़ शायद इतना बड़ा मसला ना हो लेकिन इसका जो फैलाव है ना वो बहुत बड़ा मसला है और आ, शायद हम लोग या वो लोग जो आ, जिनका अम्यून सिस्टम स्ट्रांग है वो तो शायद इतने बुरे असरा उन पर मुरतब ना हो लेकिन जो लोग इसमें कैरियर बन रहे हैं यानी उनके ऊपर तो उसकी कोई बहुत ज़्यादा वाज अत नहीं नज़र आ रही उनको अफेक्ट नहीं कर रही वो बीमारी लेकिन वो कैरियर बन रहे हैं इस बीमारी को दूसरों तक पहुंचाने में और फिर वो लोग के जो बूढ़े हैं या कमज़ोर हैं या बीमार हैं चाहे फिर वो यंग हो चाहे वो जवान हो उनको उनके लिए ये बीमारी जानलेवा हो सकती है तो इसलिए हम इस चीज़ पे इतनी बात कर रहे हैं और इसके अलावा ये सेहत के साथ साथ जान के साथ साथ इसके नुकसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं तो हमें पूरा पूरा आ, इसमें अपना किरदार अदा करना है ये हमारी दीनी और हमारी इखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी है कि हम इसमें ख़ुद भी अपना किरदार अदा करें और लोगों को भी ये बात समझाएँ कि हमारे रवैये किस तरह के होने चाहिए उसके बाद ये तमाम एहतियातें करने के साथ साथ हमारा ईमान है कि हमारी नज़र इसबाब पर नहीं है बल्कि मुसबिबुल इसबाब पर है यानी हमारी नज़र अल्लाह ताला पे है हमारा ईमान है कि अगर कोई तकलीफ़ आनी है और अल्लाह के इज़्न से आनी है हमें एहतियात करने को कहा है इन शाह तम पूरी कोशिश करेंगे और जिस हद तक भी मुमकिन है हम इंस्ट्रक्शनस को फॉलो करें जो हमें कहा जा रहा है अच्छा ये तो वो हो गई एक्वायर्ड नॉलेज कि जो हमें आ, पता चलती है कि यानी डॉक्टर्स ने बताया कि क्या एहतियातें करनी है और किस तरह से हमें अपना ख्याल रखना है उसके अलावा जो हमारे पास है वो है रिवील्ड नॉलेज यानी वो एहतियातें जो हमें हदीस के थ्रू आप के थ्रू वही के ज़रिए हमें हम तक पहुँची हैं और उसमें क्या क्या है कि वो हमारे सुबह शाम के असकार हैं जिनके ज़रिए हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं सुबह शाम के असक में वो दुआएं ख़ास तौर पे पर जो इस तरह की मुश्किलों में हमें पढ़नी चाहिए फिर उसके अलावा सूर फ़ातह है जिसको सूर शफ़ा भी कहा गया सूर बकरा की आखिरी दो आयात हैं कि जो रात को पढ़ लेगा वो उसको कफ़ायत कर जाएंगी आयतल कुर्सी है तीनों कुल है फिर परेशानियों से और मुश्किलों से और बीमारियों से बचने के लिए एक बेहतरीन चीज़ यह है कि इंसान खूब खूब सदका खैरात करे अल्लाह की राह में खर्च करे और नमाज़ें यानी फ़र्ज़ नमाजों के अलावा भी हम कोशिश करें हमारी नमाज़ें हमारा कुरान हमारे असकार ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अबू वैरा के पेट में दर्द थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसलम ने फरमाया कि उठो और नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज़ में शिफ़ा है और हम अल्लाह ताली से खूब खूब दुआएँ मांगें और दुआएँ मांगने का तरीक़ा कैसा हो कि जैसे कोई फ़क़ीर कोई चीज़ मांगता है यानी कि वो क्या करता है कि वो बेबसी का इजहार होता है आजजी होती है उस पर तकरार होती है तो हम अल्लाह ताला से बिल्कुल फ़कीरों की तरह गिड़गड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगें और अल्लाह ताला से दुआएं मांगें देखें इस वक्त रमज़ान हमारे रमज़ान करीब है लोगों को फिक्र है कि वो मस्जिद में जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे इस वक्त मस्जिदें वीरान हो रही हैं हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दुआएं करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस मुश्किल से हम सबको बाहर निकाल दें और हजरत यून की दुआ जब उन्होंने मछली के पेट में दुआ मांगी ला इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन तो मज़वालमीन तो अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल को आसान किया और उनको उस अंधेरों से निकाल दिया तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी इन अंधेरों को दूर करे और दुआ जो है वो हदीस का मफहूम है कि तकदीर को बदल देती है तो अल्लाह ताली से हम बहुत ज्यादा दुआएं करें और दुआ जो है ना वो अल्फाज का नहीं बल्कि कैफियत का नाम है तो हम अल्लाह ताली से यकीन के साथ दुआएं मांगें कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब मामला ठीक हो सकते हैं और आखिर में एक बात ये कि अगर हमारी तमाम तदाबीर तदबीर के बाद तमाम एहतियातों के बाद फिर भी अगर तकदीर गालिब आ जाए तो फिर हमें क्या करना है हमें सब्र करना है और जो हमने सूरह बकरा की आयत सुनी कि जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो कहते हैं इन्ना व वन्ना इलैहि राजिऊन तो हम अल्लाह सब्र की भी बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला हमें सब्र अता करें इस मुश्किल वक्त में वो हमतें अता करें कि जो हमें जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत है इस वक्त हजरत अली का एक मशहूर कॉल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना तो कोई भी तकलीफ़ हो या बीमारी हो या कोई भी नुकसान हो वो जब हमें पहुँचता है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है यानी अल्लाह की मर्ज़ी उसमें होती है तो अल्लाह ताला जो है वो हमें सब्र करने वाला बनाए यानी इंसान जो है बीमारी से नहीं बल्कि अल्लाह के इज़न से मरता है और मौत की वजह नहीं होती बल्कि मौत का वक्त होता है तो जब वक्त होगा और हमने जाना है तो हम दुनिया से चले जाएंगे लेकिन उससे पहले हमारे करने वाले काम फिर दोबारा से रिमाइंडर सुर असर को हम अपनी गाइडलाइन बनाए और उसको अपने सामने रखें अपने ईमान की हिफाजत करते हुए अमले सवाल हाथ करें नेकी के काम करें सब्र और हक़ की तलकी हक़ की तलकन और सब्र की नसीहत और इस दुआ पे मैं अपनी बात का अखता करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखत की खुशियाँ कामयाबियाँ आसानियाँ और नमत अता फरमाए अल्लाम रबना आते नफ़िर दुनिया हनत वफ़िलत हनत वक़ना जबनार सुबह नब हमदे का अशदअाल्ला अंत अस्तफरुका व तूबल और बसमल रहीम वसर إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته